एवरीवन, आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड। तो सैमसंग की तरफ से एक डिवाइस सेंड की गई है, सैमसंग A21s। फर्स्ट इंप्रेशन इसका करना है आज, तो इसकी पैकिंग कुछ इस तरह की हुई है। इसको हम कर लेते हैं रिमूव ताकि फर्स्ट इंप्रेशन इसके दिखा सकूँ, और इसकी अनबॉक्सिंग तब करेंगे जब प्रॉपरली ये डिवाइस हमारे पास आएगी, तो इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, तमाम डिटेल्स बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी प्राइस से रिलेटेड बात कर लूँ, तो पाकिस्तान में जो एक्सपेक्ट की जा रही है इसकी प्राइस 35,999। तो ये है बजट फ़ोन। जो भी सैमसंग यूज़र्स हैं, अगर वो एक अच्छे मिड रेंज की तलाश में हैं, अच्छा बजट फ़ोन चाहते हैं, तो वो सैमसंग गैलेक्सी A21s की तरफ जा सकते हैं। इस पर काफ़ी केपेबल प्रोसेसर दिया गया है। तो बात करते हैं इसकी लुक्स की, इसके डिज़ाइन की। तो अगर आप इसके बैक पैनल की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो A51 से थोड़ा सा सिमिलर है। यहाँ पे आपको जो मेन कैमरा मिल रहा है वो है 48 मेगापिक्सल का, और आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल रहा है। इसके साथ इसका बैक पैनल जो है वो ग्लॉजी सा है, ऑल्दो ये प्लास्टिक का है लेकिन वो ग्रीस सी इसमें नहीं बन रही। राइट साइड पर आपको मिलता है इसका पावर बटन, वॉल्यूम की। लेफ्ट साइड पर आपको मिलता है इसकी सिम ट्रे, एंड इसके साथ बॉटम पर आपको मिलता है इसकी टाइप सी की पोर्ट, लाउड स्पीकर एंड इसके साथ ऑडियो जैक। मेरे पास जो वेरिएंट है ये 4GB ऑफ रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। तो डिवाइस की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, डिवाइस को वैसे मैंने ऑन कर लिया है, मैंने कहा इसको सेट करके भी आपको फिर डिटेल्स बता सकूँ। तो डिस्प्ले की तरफ अगर मैं देखूँ तो ये है 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले दिया गया है। बिल्कुल अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिलता है इसका पंच होल कैमरा जो कि है 13 मेगापिक्सल का। वैसे मुझे इतना याद पड़ रहा है तो पहले जो आपको ये पंच होल मिल रहा था कुछ डिवाइसेस में, ये राइट कॉर्नर पे मिल रही थी, अब लेफ्ट पे कर दी गई हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको 720p की रेजोल्यूशन मिल रही है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी तो तभी चेक करेंगे जब मैं इसको कंप्लीट यूज़ करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल फर्स्ट इंप्रेशन है, तो जो मेन मेन हाईलाइट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। इसमें जो आपको OS मिल रहा है वो One UI 2.0 जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 10 पे। इसमें जो चिपसेट है वो आपको मिल रही है Exynos 850 की, जो कि एक मिड रेंज फ़ोन के लिए काफ़ी केपेबल प्रोसेसर है। जो लोग भी सैमसंग की A सीरीज़ को पसंद करते हैं या बजट फ़ोन यूज़ कर चुके हैं तो उनको आइडिया होगा इस चिपसेट का कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। तो इसमें जो आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है उसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, एक आपको मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक आपको मिल रहा है 2 मेगापिक्सल का फॉर मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल रहा है। तो कैमरा की डिटेल्स तो जाहिर है मैं तभी कवर करूँगी जब मैं इसको यूज़ करूँगी। इसका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, तो सेल्फी मैं लेके देख लूँगी, इसमें सैम्पल्स आपको दिखा दूंगी कि इसकी सेल्फी कैसी है। तो अगर बात कर ली जाए इसकी बैटरी की, तो बैटरी इसमें बड़ी दी गई है, 5000mAh की बैटरी दी गई है। तो जो लोग भी ये शिकायत करते हैं कि सैमसंग की बजट फ़ोन में बड़ी बैटरी नहीं दी जाती, तो जी जनाब, उनकी ये शिकायत भी दूर हो गई। तो इसमें आपको बैटरी मिल रही है 5000mAh की बैटरी विद 15W फास्ट चार्ज, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। वैसे डिवाइस की जो फर्स्ट लुक है वो मुझे काफ़ी पसंद आई, डिसेंट सी लुक है। डिवाइस जो है वो वन हैंड यूज़ में भी ठीक है, इजी है कैरी करने में, इतनी भारी नहीं फील हो रही मुझे। इसमें आपको फिंगरप्रिंट भी मिल रहा है, इसमें आपको फेस अनलॉक भी मिल रहा है। तो डिवाइस के डिस्प्ले की मैं बात करूं तो ऑल्दो इसमें HD+ डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन कलर जो है वो थोड़े से पंची से मुझे नज़र आ रहे हैं, वाइब्रेंट से कलर्स मिल रहे हैं। इसको हम यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। तो ये था सैमसंग A21s का फर्स्ट इंप्रेशन। इसकी अनबॉक्सिंग बहुत जल्द हमारे चैनल पे आप देखेंगे एंड रिव्यू भी, तमाम डिटेल्स आप उस वीडियो में देखेंगे। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसका फर्स्ट इंप्रेशन, आपको ये डिवाइस कैसी लगी। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल कीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।